जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने 4 फरवरी से कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू होने वाले नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए नामांकन कक्ष व कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि 4 फरवरी से 11 फरवरी तक विधानसभा चुनाव के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन किया जाएगा तथा जनपद में 9 विधानसभा है, जिसके लिए 9 विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए 9 नामांकन न्यायालय बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, सभी न्यायालयों व कलेक्ट्रेट परिसर में सीसीटीवी कैमरे को लगाया गया है, जिससे लोगों पर निगरानी रखी जा सके और साथ ही मीडिया कर्मियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, नामांकन को संपन्न कराने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और तैयारियों को देखने के लिए निरीक्षण किया गया है। जो भी कमी है उसको शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सभी बंद रहेंगे। सीएम साहब के आने के पहले तक सभी बंद, ग्राइंडिंग तो हमारा प्लेस है और हमने ये भी सोचा है।
अभी 4 तारीख से 11 तारीख में माननीय आयोग के निर्देशों क्रम में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पे सभी 9 नामांकन कक्षों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी हमारे अधिकारियों को आरओस और एआरओस को प्रशिक्षण करा लिया गया है। सीसीटीवी कैमरा के व्यवस्था की गई है, जिसमें सब कुछ कैमरा के कैद में रहा। मीडिया का प्रबंधन, आवागमन के लिए प्रबंधन, बाकी गाड़ियों के लिए बाहर प्रबंधन, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती और उनका ब्रीफिंग किया गया है। आज निरीक्षण करके देखा गया है। 100% आज शाम तक तैयारी पूर्ण हो जाएगी।